देख रहे हैं खटपट न्यूज। रायपुर नगर निगम कार्यालय को अब महात्मा गांधी भवन के नाम से जाना जाएगा। आज नगर निगम में हुई सामान्य सभा की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही नगर निगम के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा भी लगाई गई है। इससे पहले रायपुर नगर निगम व्हाइट हाउस को कभी नगर निगम बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे अस्थायी पहचान महात्मा गांधी भवन के नाम से मिल गई है। महात्मा गांधी भवन के नाम से पहचान को चिरस्थायी बनाने के लिए निगम भवन के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इसी के साथ अब नगर निगम रायपुर को नई पहचान भी मिल जाएगी। सामान्य सभा की बैठक में इन विषयों पर भी चर्चा हुई। बीजेपी पार्षद मीनल चौबे ने कोरोना महामारी को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि कोरोना महामारी में कितनी राशि खर्च की गई है। MIC सदस्य शशीम अख्तर ने जवाब में कहा 6,49,40,000 खर्च किए। इसके साथ ग्लव्स बांटे गए, मास्क के साथ सैनिटाइजर बांटे गए, रासायनिक घोल छिड़का गया। साथ ही दो नए जोन के गठन का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ है। सड़क और गार्डन के नामकरण के 4 प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। खटपट न्यूज़ रायपुर।